अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी। आज हमारे पास यूनिट 16 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक नया टॉपिक जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड है। एक्चुअली उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे कि आपके पास किस तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के चेंज करने से आपके पास जो करंट की इंडक्शन है वो आपके पास पॉसिबल हो जाती है। इससे पहले जो हमने कॉन्सेप्ट देखे थे उसके अंदर हमारे पास ये चीज डिस्कस की गई थी कि आपके पास जो करंट के होने की वजह से उसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है, बट इसकी ऑपोजिट आपके पास एम्पेयर ने और आपके पास जो हैंस क्रिश्चियन ओयस्टर था उसने ये सोचा कि आपके पास अगर करंट है तो इट मींस कि वहां मैग्नेटिक फील्ड भी आपके पास होगी। बाद में फैराडे आया, उसके बाद जोसेफ हेनरी आया, उन्होंने भी ये चीज इसके ऑपोजिट सोचा कि अगर कहीं पर अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड हो तो वहां पर भी आपके पास कोई करंट इंडक्शन का कुछ ना कुछ भी प्रोसेस आपके पास पॉसिबल हो सकता है। दो प्रोसेसेस हैं कि अगर आपके पास करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास क्रिएट हो जाएगी, अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वी कैन आल्सो क्रिएट द इंड्यूस ईएमएफ और यू कैन से इंड्यूस करंट। ओके, तो ये कुछ आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कि हमने करंट को मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने पर हमने इंड्यूस करवा लिया। तो आपके सामने मैंने एक डायग्राम बनाई है, इसमें हम देख सकते हैं कि मैं एक मैग्नेट को एक कॉइल के पास लेकर जाता हूं तो होगा क्या कि इस मैग्नेट से जो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो उस कॉइल में से पास कर जाएंगी। अदरवाइज अगर मैं इस मैग्नेट को इस कॉइल से अवे लेकर जाता हूं, अवे फ्रॉम द कॉइल, तो आपके पास जाहिर सी बात है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो क्वांटिटी होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी एज प्रीवियस केस की। प्रीवियस केस के मुकाबले आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। तो इस तरह से एक कॉइल के अक्रॉस अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूसली चेंज करें कि पहले उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैक्सिमम है, आफ्टर शॉर्ट इंटरवल उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होने की वजह से वो मिनिमम हो गई हैं, तो इस तरह के प्रोसेस से भी हमारे पास जो है वो करंट का रिड्यूस होना पॉसिबल है। कि प्रीवियस कॉन्सेप्ट के अंदर जो था आपने ये देखा था कि किसी भी वायर में अगर करंट पास करता है तो उसके अक्रॉस आपके पास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। अब हम यहां पर ये बात कर रहे हैं कि आपके पास अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज कर दिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के चेंज होने पर आपके पास उस कॉइल में क्या होगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा। अब वो करंट आपके पास जो इंड्यूस होगा एक्चुअली उसकी डायरेक्शन की बात करते हैं कि अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज कर रही हैं, अगर आप मैग्नेट को कॉइल के पास लेकर जा रहे हैं, इट मींस कि उस कॉइल में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो पहले मिनिमम से कहां पर जा रही है, मैक्सिमम पर जा रही है। तो मिनिमम से मैक्सिमम जाएंगे तो आपके पास कॉइल के अंदर लेट सपोज अगर क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस होगा, अगर आपके पास क्लॉकवाइज करंट होगा तो इट मींस अगर हम उस मैग्नेट को उस कॉइल से अवे लेकर जाते हैं कुछ इस तरह से कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो क्या होंगी, कम होंगी। तो एज ए रिजल्ट आपके पास पहले तो करंट इंक्रीज कर रहा था, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहले इंक्रीज कर रही थी, अब क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है, मीन टू से कि वो नेगेटिव साइड पर जा रहा है आपके पास। तो इस तरह से पॉसिबल है कि आपके पास करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज आपके पास कुछ क्रिएट हो जाए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर आपके पास ये दो कॉन्सेप्ट्स थे कि अगर आपके पास अगर किसी कॉइल में करंट इंड्यूस करवाना चाहते हैं आप, तो इट मींस कि आपको वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का चेंज करना भी आपके लिए जरूरी है। अगर आप किसी कॉइल के सामने अगर मैग्नेट को प्लेस करते हैं और मैग्नेट की जो रिलेटिव मोशन है, अगर आप उस बार को मैग्नेट को उसके पास लेकर जाते हैं और वापस लेकर आएंगे, तो एक्चुअली क्या होगा, जब आप उस कॉइल मैग्नेट को कॉइल के पास लेकर जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्वांटिटी मिनिमम से आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही होगी, ज्यादा हो रही होगी। अदरवाइज अगर आप उस मैग्नेट को उस कॉइल से अवे लेकर जाएंगे तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो इस कॉइल में से जो होंगी वो आहिस्ता आहिस्ता मिनिमम होना शुरू हो जाएंगी। तो पहले तो आप मैग्नेट को कॉइल के पास लेकर आ रहे थे तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज कर रही थी और एज ए रिजल्ट आपके पास जो था वो करंट की डायरेक्शन लेट्स सपोज पॉजिटिव इंपैक्ट था, बट अगर आप उस कॉइल को उस मैग्नेट को उस कॉइल से अवे लेकर जा रहे हैं तो भी आपके पास करंट इंड्यूस होगा बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। लेकिन यहां पर एक बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि समझने के लिए काफी जरूरी है, कि हम यहां पर करंट उसी वक्त ही इंड्यूस कर सकते हैं व्हेन आपके पास नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो क्या हो रही हो, चेंज हो रही हो। अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो चेंज नहीं होंगी तो आपके पास जो है वो करंट इंड्यूस नहीं होगा। अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन कंटिन्यूसली अगर आप चेंज कर रहे हैं इस कॉइल में से, तो ये एक कंडीशन है यहां पर जिसकी बेस पर आपके पास उस कॉइल में जो है वो करंट इंड्यूस हो जाएगा।
अदरवाइज अगर हम उस कॉइल में से मैग्नेटिक फील्ड को चेंज नहीं करेंगे तो एज ए रिजल्ट हमारे पास उस कॉइल में से मैग्नेटिक फील्ड चेंज ना होने की वजह से आपके पास करंट रिड्यूस जो होगा वो नहीं होगा, वो परमानेंट हो जाएगा। तो ये बात आपने इस ओवरऑल टॉपिक में ये कॉन्सेप्ट में आपने रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की मदद से अगर आपने करंट इंड्यूस करवाना है तो आपको कंटिन्यूसली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो उस कंडक्टर में से या उस कॉइल में से आपको चेंज करनी पड़ेंगी, वेरी करनी पड़ेंगी। अदरवाइज अगर आप वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कॉन्स्टेंट रखेंगे, सेम रखेंगे थ्रू आउट आपके पास जो मोशन है, तो इट आपके पास जो कॉइल होगी उसमें आपके पास जो है वो करंट इंड्यूस नहीं होगा। ओके, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी कंडक्टर में से इंक्रीज कर रही हैं तो वो आपके पास लेट सपोज अगर राइट साइड में डिफ्लेक्शन शो करेगा, तो अगर आप वही मैग्नेट को उस कॉइल में से कॉइल से अवे लेकर जा रहे हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन उस कॉइल में जो है वो डिक्रीज करेंगी, तो अब वो जो डिफ्लेक्शन होगी वो लेफ्ट साइड पे शो करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों केसेस जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। एक केस में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज कर रही है जबकि दूसरे केस में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो डिक्रीज कर रही है। तो ये आपके पास एक सिनेरियो जिसके अंदर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन की इंडक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वजह से हम जो है करंट का इंडक्शन जो है वो पॉसिबल करते हैं। इसमें कुछ आपके पास इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो भी हम डिस्कस करते हैं कि सरफेस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड के सामने जो सर्फेस है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर है, किस तरह से कि आपके पास मैग्नेट की मोशन और कॉइल का जो सरफेस प्लेन है अगर वो परपेंडिकुलर है तो आपके पास मैक्सिमम करंट इंडक्शन जो है वो पॉसिबल होगा। सेकेंडली यूज ऑफ द स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, अगर हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज करते हैं तो एज ए रिजल्ट उसमें से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो भी आपके पास काफी पावरफुल होंगी और एज ए रिजल्ट कॉइल में आपके पास जो करंट होगा वो भी आपके पास काफी स्ट्रॉन्ग इंड्यूस होगा। थर्डली आपके पास वो कहता है नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द कॉइल, अगर आपकी कॉइल पर नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो मल्टीपल हैं, इस बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपके पास कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स अगर मल्टीपल कर दिए जाए तो वी कैन डबल द इफेक्ट और ट्रिपल और टेट्रापल के हम उसको काफी ज्यादा 4 गुना 5 गुना तक हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं उसके इफेक्ट को, करंट को, अगर हम नंबर ऑफ कॉइल्स को इंक्रीज कर दें। और लास्ट में बात की गई है नंबर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन आल्सो चेंज का कॉन्सेप्ट है कि एक कॉइल में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का चेंज होना जरूरी है अगर आप करंट की इंडक्शन पॉसिबल करवाना चाहते हैं। तो ये आपके पास आज का टॉपिक था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड, जिसके अंदर हमने ये देखा कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के चेंज होने से आपके पास करंट का इंडक्शन जो है वो आपके पास पॉसिबल है। तो आई होप सो आपको इस वीडियो में जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। आपसे मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।